मिलर मान रहे हैं, तो मैं राना बदर और आप देख रहे हैं कारकुप। तो आज इस गाड़ी का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आऊँ। ये दिहासु शरार जो कि अंडर शेप में है, तो आज ये गाड़ी जो कि मॉडिफाइड गाड़ी है, इस वजह से इसकी जो कि मॉडिफिकेशन हुई है वो सारी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, गाड़ी के फ्रंट लुक को आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टिकरिंग, जिस तरह की मॉडिफाइड गाड़ी जितनी भी होती हैं उसके ऊपर स्टिकरिंग के अलावा तो गाड़ी की मॉडिफिकेशन का मज़ा ही नहीं आता। तो जैसे सबसे पहले अगर आप इसकी जो कि फ्रंट की स्क्रीन है इसके ऊपर आप देख सकते हैं डार्क नाइट इसकी स्टिकरिंग कराई है, वहाँ जहाँ पर जिस तरह जोकर वाला जो आजकल ट्रेंड चल रहा था वाइसो सीरीज वाली, वो आपको यहाँ पर स्टिकरिंग मिल जाती है। उसके अलावा अगर इसके बोनट के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको जो कि बैटमैन का जो कि स्टिकर है वो मिल जाता है। गाड़ी की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लो लगती है और ये मेरे नहीं ख्याल के आम जो कि रोड है उसके ऊपर चल सकती है। तो इसके लिए भी आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपके इलाके के रोड कैसे हैं, तो फिर आपको ऐसी गाड़ी मॉडिफाइड करवाना पड़ेगी। तो जिस तरह गाड़ी की फ्रंट के जो कि ग्रिल है इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो कि ब्लैक कलर की स्टिकरिंग करवाई हुई है, और इसके फ्रंट जो कि बम्पर है इसके ऊपर भी किट इंस्टॉल की गई है। तो ये अगर आपकी किसी गाड़ी के ऊपर किट इंस्टॉल नहीं है तो आपकी गाड़ी मॉडिफाइड नहीं लग सकती। तो ये जो कि किट है ये आपकी साइड वाली, फ्रंट वाली, बैक वाली, ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है गाड़ी की मॉडिफिकेशन में। तो गाड़ी की फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं इसकी जो कि हेडलाइट्स हैं वैसे ये जो कि सिंपल है, शीशे के अंदर होती है, मगर इसके अंदर देख सकते हैं आप इसके अंदर ब्लैक पेपरिंग करवाई हुई है। तो गाड़ी की जो कि लुक है काफ़ी अग्रेसिव लग रही है इसके साथ। उसके अलावा इसके अंदर जो कि ब्लैक का और वाइट का और रेड, ये जो तीन कॉम्बिनेशन करवाए हैं उसके साथ गाड़ी की फ्रंट लुक में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती लग रही है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं वैसे टू डोर कार है, तो स्पोर्ट लुक के लिए मेरा ख्याल में कि टू डोर कार है जो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, और जो कि टू डोर होने के बाद भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रही है। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट जो कि फेंडर की बात कर लें, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो कि इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही अगर इसके व्हील्स की बात कर लें तो जब तक आपकी मॉडिफाइड गाड़ी है, मॉडिफाइड गाड़ी तब मुकम्मल होगी जब आपके जो कि उसके अलॉय व्हील अच्छे वाले लगे होंगे और लो प्रोफाइल टायर लगे होंगे। तो इसके अंदर जो कि इंस्टॉल किए गए हैं वो HS के हाई क्वालिटी के व्हील इस्तेमाल किए गए हैं। उसके अलावा जो कि इसके अंदर टायर यूज़ किए गए हैं और इसके अंदर लो प्रोफाइल टायर यूज़ किए गए हैं। तो जिस तरह गाड़ी के जो टू डोर है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं जो कि इसका फ्रंट डोर है, वैसे भी साइज़ में बड़ा ही होता है क्योंकि टू डोर है, बाकी पीछे वाली जगह इतनी स्पेस नहीं होती तो यहाँ से गुजर के पीछे जाना पड़ता है। तो गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं साइड के ऊपर जो कि साइड किट्स भी इंस्टॉल की गई हैं, उसके अलावा स्टिकरिंग वगैरह की हुई है, और देखें स्टिकरिंग वगैरह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके अलावा गाड़ी के अगर जो कि रेयर वाला जो कि स्क्रीन है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की पेपरिंग की गई है, और इसकी जो कि जितनी भी रूफ है ये देख सकते हैं आप सारी की सारी इसके ऊपर ब्लैक कलर की स्टिकरिंग की गई है। तो स्टिकरिंग वाइट और जो ब्लैक है इसकी जो कि कॉम्बिनेशन है ये आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस गाड़ी के अंदर भी ज़्यादा जो कि अहम किरदार अदा कर रहा है इसके ब्लैक स्टिकरिंग ही ज़्यादा किरदार अदा कर रही है। उसके अलावा गाड़ी का जो कि रेयर व्हील है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, रेयर व्हील के अंदर अगर आप देखें आपको ज़्यादा स्पोर्टी लुक तब नज़र आएगी जब इसके अंदर आप देखें इसका जो कि रेयर बम्पर है सेम, मगर उन्होंने कहा जी मेरे अपना शौक है तो उन्होंने क्या कहे कि स्पोर्ट लुक देने के लिए इसको इसके जो कि रेयर बम्पर को उतार दिया है। बाकी इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके जो कि साइड प्रोफाइल के अंदर टायर इसके बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और लो भी करवाई हुई है, तो लो करवाने की वजह से गाड़ी की जो कि स्पोर्ट्स लुक में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो जहाँ तक इस मॉडिफाइड गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात है, बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कि स्पॉइलर इंस्टॉल करवाया गया है। अगेन गाड़ी के अंदर जो ब्लैक, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है वो गाड़ी की जो कि लुक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। तो गाड़ी की जो कि रेयर स्क्रीन है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की पेपरिंग की हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो कि बैक लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके अलावा अगर इसके नीचे जो कि इसकी बैक लाइट देखें, यहाँ पर आपको जो कि शरार का जो कि लोगो मिल जाता है। उसके अलावा इसकी बैक लाइट्स के ऊपर देखें पूरे के ऊपर जो कि स्टिकरिंग की गई है। रेयर बम्पर जो इसका बहुत रोया है क्योंकि मॉडिफिकेशन के लिए गाड़ी यूज़ की जाती है, और अगर इसका रेयर बम्पर भी लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आपको स्पीड ब्रेकर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगती नज़र आएगी। तो इसके आप देखें क्योंकि यहाँ से स्पीड ब्रेकर उतार लिया गया और यहाँ पे जो कि ब्लैक कलर का जो कि पेंट करवाया गया जो कि इसकी बैक लुक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर रहा है। तो उसके अलावा गाड़ी की जहाँ तक एग्जॉस्ट की बात है, गाड़ी की जो एग्जॉस्ट है इसका साउंड भी मैं आपको एंड में सुनाऊँगा, मगर इसके अंदर जो कि यूज़ किया गया वो स्ट्रेट पाइप यूज़ किया गया है। इंजन की तरफ भी जाऊँगा क्योंकि इंजन इसका अभी तक जो कि ओरिजिनल नहीं है, इसके अंदर इंजन आफ्टर मार्केट यूज़ किया गया जो कि टोयोटा विट्ज़ है, 1000 CC उसका इंजन यूज़ किया गया। तो उसके साथ वैसे ऑटोमेटिक के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट की आवाज़ आती होगी, मगर इसके अंदर स्ट्रेट पाइप यूज़ करने की वजह से इसका जो कि एग्जॉस्ट का साउंड है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी मज़ीद आपको गाड़ी के इंटीरियर भी दिखाता हूँ, इसके अंदर जो कि लाइटिंग हुई है वो भी दिखाता हूँ और इसके जो कि साउंड टेस्ट भी करवाता हूँ। तो जहाँ तक गाड़ी के इंटीरियर की बात है, गाड़ी के इंटीरियर आप देख सकते हैं, यहाँ देखें भाई ने बड़े शौक के साथ जो इसके पाँव वाली साइड पे लाइट्स वगैरह करवाई हैं इंस्टॉल, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो कि ऑटोमेटिक जो कि गियर इंस्टॉल करा है सुजुकी सॉरी जिस तरह के बताया मैंने कि टोयोटा विट्ज़ का। उसके अलावा सीट्स भी भाई ने वैसे गाड़ी स्पोर्ट्स है, मतलब कम्फर्टेबल इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है।
एक्को की इसके अंदर सीट्स यूज़ की गई हैं, और उसके अलावा जो कि इसका मीटर से देखें आफ्टर मार्केट यूज़ किया हुआ है। तो वैसे जो कि इंजन है ये इंजन है विड्स का, और जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज़ किया गया है ये टोयोटा करोला अल्टस का यूज़ किया गया। और ये देख सकते हैं मतलब गाड़ी को अंदर से भी आप देखें, आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। आपको पसंद आया होगा, गाड़ी भी आपको देखी होगी, आपने बहुत ज़्यादा पसंद की होगी, मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अगर किसी गाड़ी की वीडियो आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी गाड़ी के ऊपर लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।